भारत सरकारे देशना राज्यों में प्रजा ने दारू पीवानी तकलीफ न पड़े माटे दारूनी दुकानों खोलवानी छूट आपेली छे। भारतीय जनता पार्टी ना आ संस्कार आ शिस्त आ संयम आज एक्सपोज थी गयो। तमे प्रजा ने कोरोना थी बचावा माटे बीजी कोई पण दवा होय बीजी कोई एने वायरस माटे नी रसी होय एनो जो तमे उपाय बतावता होय तो आपणे समजीए। पण तमे साहेब भूख लागेली छे तो ब्रेड खा केक खा कोरोना नी दवा न होय तो दारू पी आ दारू पीवानी छूट आपी दे। करोड़ों रूपया सरकार की तिजोरी में जमा थाय आशय सिवाय कई नहीं। लोग मरे ज नहीं जेवी दारू की दुकाने खुली एट भीड़ जो पड़ा पड़ी आखू लॉकडाउन तूटी गयु ये दृश्य अपने जोयेला। आपणुं गुजरात गांधी गुजरात सरदार साहेबनुं गुजरात आ गुजरात में आज वर्षो थी कृत्रिम दारूबंदी की नीति चाली रही है। ये दारूबंदी की बात करवा माटे कोई हिम्मत नहीं करतो। हूँ आज गुजराती जनता ने कहवा मागु छू कि मेहरबानी करीने आ ढोंगी अने खोटी नीति दारूबंदी नीति गुजरात में न गांधीजी खुश थाय छे न सरदार साहेब खुश थाय छे। आखी जुवानी ने आखू जुवान धन खत्म थई गयु छे। खोटो दारू पी ले लठ्ठो पी ले बाकीनुं बधुं जे कंई धूप्यू कहवाय हाफ खराब वस्तु जे गामडामां सस्तू उकरतू आपता होय छे ए पी ले जुवानी खत्म थई गई। गुजरातनी छेतरामणी ने छल्लावाळी दारूबंदीनी आ नीतिनो पुनर्विचार करवानो समय आवी गयो छे। वो शंकरसिंह वाघेला दारू पीतो नथी माटे थईने आ वात करी रह्यो छे। बाकी लोको जुदो अर्थ करे तो एमने एमनी मेहरबानी। पण कृत्रिम नीतिना आधारे जे गुजरात पोतानुं नुकसान भोगवी रह्युं छे ए आजे बाकीना बधा राज्योमां करोड़ों रूपियानी आवक आ करोड़ों रूपियानी आवक गुजरातमां क्यां जाय छे? दारू नथी मळतो एवुं तो छे नहीं। एक किलोमीटर पण गुजरातमां एवुं नथी कि ज्यां दारूनी कोथळी न मळती होय दारूनी बाटली न मळती। सरकार जे पकड़े से तो आइसबर्ग में एक नानो बरफ की टोच हो बुलडोजर फेरवी ने तोड़ी फोड़ी नाखे से। ए आ गुजरात में आज जुवानियाओ तमाकू गुटका हाना वीस पच्चीस वर्षे बहनों अपनी विधवा थाय से यहाँ खोटो दारू पीने पीवावाड़ो वर्ग बहु मोटो। हूँ गुजरात सरकार ने कहीश कि मेहरबानी कर वैज्ञानिक पद्धति अभ्यास करो। गुजरात तजज्ञ लोग हो गांधीवादी लोग बाकी बधा मित्रों की एक कमिटी बनाओ। कमिटी बनाने गुजरात की जनता अभिप्राय ले कि मेहरबानी कर तमे जो आबू जता हो तमे दीव जता हो तमे मुंबई जता हो तमे बीजे दारू पीवा जता हो करोड़ों रुपया आ धन त्या करता हो तो गुजरात में आ विचार करो कि शू करव जो है। जो चाइना में लोग बाहर निकली हिंदुस्तान में आवाना हो हिंदुस्तान में आई अपने गुजराती तरीके गुजरात में जो उद्योगों मूड़ीरोकाण थानु हो तो आ नीतिओनो पुनर्विचार करवानो समय आवी गयो। एटला माटे जे रीते अत्यारे चोरी छुपी थी आवा लॉकडाउन में पण दारूनो धंधो खुले आम चालतो हतो डबलाना भाव वधी गया हता बीएडी होय के बाकीना लठ्ठा होय के बीजा बधाय तो आवी रीते गांधीजी सत्य अने अहिंसा वाला विचारों वाला हता सरदार साहेब आम ज हता। तो गांधीना गुजरात में दारूबंदीना नामे चोरी केम करो छो असत्य केम बोलो जूठ्ठू केम बोलो खुले आम जे होय तो मानीने चालो। मुंबई में दारूबंदी नहीं राजस्थान में दारूबंदी नहीं मध्य प्रदेश में दारूबंदी नहीं दीव दमण में दारूबंदी नहीं तो दारूबंदी आ नाटक गुजरात में क्या सुधी खेलवा विचार करिए। आखू आज जो चोरी छुपी करोड़ों रुपया अंडर टेबल लेवट देवट चाली रही है ये बूट लेगरो कोमी तोफानों करा तो बूट लेगरो रुपया पड़ा तो बूट लेगरो आ कोमनो के पेली कोमनो बूट लेगरो मजा करे छे। प्रजा खोटो दारू पीने पोताना फेफसा तोड़ी रह्या छे जुवानी तोड़ी रह्या छे दम घूटवी रह्यो छे विधवा बहनों की संख्या वधती रह्या छे। माटे थईने आवो ढोंगी अमल एनो पुनर्विचार कराय बेसीने विचार कराय एटली कड़क दारूबंदी बनावाय जेथी करीने दारूनी सुगंध पण ना आवे एटली एवी रीते वैज्ञानिक पद्धति आनो विचार करीने एवी रीते खुल्ली मुकाय जेथी करीने बेन दीकरीनो प्रॉब्लम न थाय माणसने कोई प्रॉब्लम न थाय समाजने प्रॉब्लम न थाय ज्यां दारूबंदी नथी त्यां आवा प्रॉब्लम थता नथी। कोटली कृत्रिम रीते ऊभुं करायेलुं छे बधुं एनो विचार करवानो आ समय आवी गयो छे। भारत सरकारे ज्यारे आवक लेवा माटे लोकोने दारूना नशामां रवाडे चढ़ावा माटे जो लॉकडाउनमां दुकानो खुल्ली मूकी होय तो गुजरात सरकार आमांथी बोधपाठ ले। भारतीय जनता पार्टी वाला तमारा आ संस्कार लोकोने दारू पीवड़ावाने मने नवी लागी। आज हूँ सरकार में दिल्ली में बैठो हो तो लोगों ने पीवड़ाई ने बेभान तो न करो आ रीते मारे आवक मारी उभी नहीं करी
તમે દારૂ દારૂ એ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ એ સરખી રીતે જે એની દુનિયા છે એને તમે સમજો કે બરાબર, પણ આવક માટે તમે તમે અત્યારે દારૂ દુકાનો ખોલી દીધી આખી, તમારું લોકડાઉન તૂટી ગયું આખું, કઈ નીતિ છે, કયા રૂપિયા ભેગા કરવા છે? આવા આવા દારૂના પીવાવાળા લોકો પાસેથી ભેગા કરાયેલા રૂપિયા, નશાના રૂપિયા એ જે કઈ છે એનાથી કોરોના નહીં વટે. કોરોના નામે જે પીએમ કેર ફંડમાં જે રૂપિયા આવ્યા, બીજા જે રૂપિયા આવ્યા, એ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરો, એનાથી લોકોને મદદ કરો, એનાથી જે કંઈ કરવાનું એ કરો, શ્રમિકોને મોકલવાનું ભાડું એમાંથી વસૂલ કરો, લોકોને લાઈટ એમાંથી મફત આપો, 2-3 મહિના પાણી મફત આપો. આ રસ્તા છે આના. આ કરોડો રૂપિયા વાપરવા માટે તમારે દારૂમાં ભાવ વધારીને દુકાનો ખુલ્લી મૂકીને પ્રજાને લૂંટવાની કોશિશ નહીં કરવી જોઈએ. દારૂના નશામાં માણસો ભાન ભૂલતા હોય છે, એ સાચી વાત છે, પણ સત્તાનો નશો દિલ્હી હોય કે ગાંધીનગર એ પણ ભાન ભૂલતો હોય છે, એના ભરવા દાખલા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ભગવાન આપણે કોરોનાથી બચાવે. દારૂની નીતિ જે ગુજરાતમાં કૃત્રિમ છે એનો અભ્યાસ કરીને એમાંથી પણ બચાવે, અને સાચી માનવતાના આધારે ગાંધી સરદારના સાચા મૂલ્યો કયા હતા એનો અભ્યાસ કરીને આગળ વિચાર કરવો જોઈએ, એવું મારે તજજ્ઞ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો જે કંઈ સમજતા હોય એને મારી અપીલ છે કે આ વિચાર કરો, શું થાય પડશે એવા દેવા છે. અને આ કંઈ ખાનગી તો છે નહીં, દારૂબંધી વાળા ગુજરાતમાં દારૂ મળતો હોય તો લોકો ચોરી છુપીથી પીને ગટગટાઈને પોતાની જાત સાથે ચેડા કરતા. આવી રીતે ન હોય, સિસ્ટમ જ દરેક પદ્ધતિ હોય, એ પદ્ધતિ પ્રમાણે આગળ ચાલીએ. એ શબ્દો સાથે લોંગ લીવ નશાબંધી, થિંકી ટોવર કે નશાબંધી કેવી છે, કેવી ચાલુ રાખવી કે નહીં એનો વિચાર કરાય, અને વિચાર કરવા માટે સાયન્ટિફિક એપ્રોચ સાથે વિચાર થાય, દેશની જોવાની માટે, ગુજરાતી જોવાની માટે, ગુજરાતના આર્થિક વિકાસ માટે, ગુજરાત ઔદ્યોગિક ડેવલપમેન્ટ માટે આ બધા વિચારો જરૂરી હોય તો સાથે બેસીને વિચાર કરવો જોઈએ, આવું સ્પષ્ટપણે માનું છું. ધન્યવાદ.